नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपके लिए फिर से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का हाल लेकर हाजिर हुआ हूं। कुछ दिन पहले हमने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का हाल आपके साथ साझा किया था, लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े फलौदी सट्टा बाजार से भिन्न है। तो इस चुनावी चर्चा प्रोग्राम में फलौदी सट्टा बाजार किन सीटों पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चलिए चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर, किस प्रकार का माहौल जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बना हुआ है और वो किस प्रकार से जो है फलौदी सट्टा बाजार से भिन्न है। देखो, हमने दो वीडियो कर लिए फलौदी सट्टा बाजार पे जी, जिसमें हमने मतलब जो प्रत्याशी 25 की 25 सीट पे राजस्थान में खड़े हैं जी, उनके भावों के बारे में चर्चा करी थी। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर माने जी, तो फलौदी सट्टा बाजार से वो बेहद ही भिन्न है जी। इस रिपोर्ट में 12 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी के खाते में ये सीट आराम से जाती हुई दिखाई दे रही है जी। वहीं बाकी की बची 13 सीट पर मुकाबला कड़ा है, या कांग्रेस मान रही है कि ये 13 सीट हमारे खाते में आ रही है जी। वहीं बीजेपी के सूत्रों के माने तो बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट जाएगी जी। वहीं हमारी कुछ नेताओं से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, यानी कि बीजेपी 22 सीटें जीत रही है जी। लेकिन ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर तो यही पता लग रहा है कि फलौदी सट्टा बाजार से भी ये आंकड़े काफ़ी भिन्न दिख रहे हैं। काफ़ी सीटों पे हारते हुए प्रत्याशी को दिखाया जा रहा है, उन सीटों पे वो प्रत्याशी जीतते हुए या फिर कड़ा मुकाबला देते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है जो आपके पत्रकार और जैसे नेता आप बता रहे हो बीजेपी के, कहीं ना कहीं वो 22 सीटों का दावा जो है उनके द्वारा लगातार किया भी जा रहा है। लेकिन सर, कांग्रेस की यहाँ पे बात की जाए तो कांग्रेस जो है किस प्रकार की, अगर यूँ कहे, अगर पूरी अभी जो राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव जो हुआ है, संपन्न हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत का भी एक अहम जो मुद्दा है वो सामने निकल के आया कि किसी ना किसी प्रकार से 2014 या 2019 में हमें वोट प्रतिशत इस बार कम देखने को मिला। और अगर बात की जाए बीजेपी के नेताओं की, तो वो भी जो 22 सीटों का आप कह रहे हो कि किसी ना किसी तरीके से वो इसके ऊपर उम्मीदें जता रहे हैं, लेकिन आपके जो आंकड़े सामने आए हैं वो किस प्रकार के आंकड़े आए हैं? और बीजेपी की जो आप कह रहे हो कि 12 से 13 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जो कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, तो उनका जो क्या आंकड़ा है और कौन कौन सी लोकसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वो दर्शकों के सामने एक बार जो है पेश करें आप। जैसे देखो, आपने पहले आपने एक सवाल किया कि चुनाव मतदान इस बार कम हुआ है जी। तो देखो, जो मतदान कम हुआ है उसका सीधा सीधा असर क्या तो ये होगा कि विपक्ष को उसका फायदा होगा जी। दूसरा उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जैसे मान लो बीजेपी किसी सीट पर 50,000 वोटों से जीतती थी जी, 1,00,000 वोटों से जीतती थी, अब उसका मार्जिन कम होकर 10,000, 5,000 या 1,000, 2,000 ऐसे ही रह जाएगा जी, अगर वो जीत भी रहे होंगे जी। यानी कि जो भारी बहुमत से वो जीतते थे वो उनका कम होगा, या फिर कुछ सीटें वो हार भी जाएंगे, क्योंकि जब जब मतदान कम हुआ है इतिहास अगर देखा जाए तो विपक्ष को उसका फायदा हुआ है। इस बार क्या मतदान कम हुआ है उसका क्या गुल खिलाएगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। जो दूसरा सवाल आपने पूछा था जी, कि आप बताइए सर कि कितनी सीटें जो हैं जो बीजेपी के खाते में आसानी से जाती हुई दिखाई दे रही है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके सीट बताता हूँ। आज हम इस वीडियो में उम्मीदवार नहीं बताएंगे, क्योंकि शायद उम्मीदवार सब लोगों को पता होगा अपने अपनी सीट के, और हम उनका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा नतीजों को बताते हैं। और जिन जिन वोटर्स ने अपने अपने नेताओं को वोट किया है तो कहीं ना कहीं वो भी नेताओं के नाम तो जानते ही होंगे, इतने जो है राजस्थान की इतनी भोली जनता जो है वो नहीं है किसी न किसी प्रकार से, तो चलिए आप अपने जो नाम है उनको बताने का जो है कष्ट करें और लगातार जो है नाम बताएं आप। देखो, बीजेपी के जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जो लग रहा है कि बीजेपी आराम से निकाल लेगी, वो सीट है जयपुर की। एक तो जयपुर की सीट के बारे में अपन काफी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें हमने ये नहीं बताया हो कि बीजेपी इस सीट से नहीं जीत रही है जी। मतलब हर वीडियो में हमने बताया है कि बीजेपी ये सीट आराम से निकालते हुए दिखाई दे रही जी। है और कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा था कि बीजेपी का जो है शहरों में प्रभाव है, उसी के चक्कर में जो है ये सीट लगातार फलौदी सट्टा बाजार और अपने सर्वे में भी जो है आज ये सामने निकल के आ चुकी है कि ये सीट तो कन्फर्म जो है बीजेपी के खाते में जाने वाली है। हाँ, मैंने एक अलग शब्द का प्रयोग किया था, वो था जलवा जी, यानी कि जलवा है बीजेपी का, जलवा है शहरों में, और वो जलवा अब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में भी देखने को मिल रहा है जी। दूसरी जो सीट है जोधपुर की, ये बीजेपी के खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है, दूसरा शहर है। तीसरी है अजमेर की, चौथी सीट है भीलवाड़ा की, पांचवी सीट है राजसमंद की जी, छठी है उदयपुर की, सातवीं है बारा झालावाड़ की जी, आठवीं सीट है बीकानेर की, नौवीं सीट है पाली की जी, दसवीं सीट है चित्तौड़गढ़ की जी, ग्यारहवीं सीट है जालौर की,
और 12वीं सीट पर सन से बना हुआ है, ये सीट है अलवर की जी। अगर हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं या फिर गांव में जाके बात कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में बात कर रहे हैं, तो वहां पर पता चल रहा है कि यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत रहा है, जबकि अन्य जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस सीट पर स्ट्रांग है। लेकिन मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के आधार पर ये जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी इस सीट पर कुछ कांग्रेस से आगे जरूर खड़ी हुई है, इस सीट पर कांटे की टक्कर हो सकती है, ये हम इस चीज को नकार नहीं सकते। लेकिन जो मैंने 11 सीट बताई है, ये 11 सीट कन्फर्म मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सीटें सीधी सीधे बीजेपी के खाते में जा रही है। लेकिन सर मैं यहाँ पे अलवर की सीट के लिए एक और बात रखना चाहूंगा कि जैसे हमारे दर्शक हैं इनके द्वारा भी जो है हमें लगातार कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट जिसके ऊपर ललित यादव प्रत्याशी है उसको कहीं ना कहीं ये लोग जिता रहे हैं, तो ये बात भी जो है लगातार अपने बीच आती रही है। तो जैसे अब आप बता रहे हो कि कांग्रेस की सीटें हैं जिनके ऊपर 13 सीटें जिनका कांग्रेस का दावा किया जा रहा है, तो वो कौन सी सीटें हैं, उनका भी हाल एक बार दर्शकों के सामने रखा जाए। देखो हमने जो 12 सीटों की बात कर ली जी, इनमें एक सीट पर कड़ा मुकाबला बताया है और 11 सीटें कंफर्म बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी की जो बची हुई 13 सीट हैं इन पर कांग्रेस ये कह रही है कि ये हमारे खाते में आ रही है, वहीं बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला है, जीतेंगे तो हम ही जी। लेकिन दोनों के अपने अपने दावे हैं, अब दावा हमारा क्या है वो चलिए हम बताते हैं। वैसे मैं दावा शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा जी, क्योंकि दावे हो सकता है कल वो गलत हो जाएं और लोग हमारी वीडियो वायरल करके ये बोलें कि देखो आपने ये कहा था जी। ये सब रिपोर्ट्स हैं, इसको आप ज्यादा दिल पे ना लें, हैं हमारे पास जैसे जैसे ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं जी। लेकिन ये है कि इस रिपोर्ट्स में दम जरूर है, क्योंकि हमने काफी लोगों से ये जानकारी इकट्ठी की है, उसी के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं जी। और वो तो बाद में जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो हमारे जो दर्शक हैं उनको अपने आप पता लग जाएगा कि किस प्रकार की रिपोर्ट जो हमारे रिपोर्टर्स द्वारा हमें दी गई है। तो चलिए जो रिपोर्ट्स है अभी फिलहाल उसको पढ़ते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये जरूर कह देना चाहता हूँ कि हमारे रिपोर्ट्स हो सकती है 100% सही ना हो, लेकिन 70-80% हमारी रिपोर्ट सही तो जरूर होने जा रही है, इतनी तो हमें भी कॉन्फिडेंस है इस चीज का। चलिए अब मैं कांग्रेस की सीटें बताता हूँ जी। देखो कांग्रेस की जो सीटें हैं वो झुंझुनू की है, बाड़मेर में तो पता ही नहीं है बीजेपी है ही नहीं वहां पर, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी जी, यहाँ तो बस टक्कर है तो निर्दलीय और कांग्रेस वालों की जी। हाँ, और कांग्रेस के खाते में कहीं ना कहीं जाती हुई भी दिख रही है। एक है दौसा की सीट, एक है टोंक सवाई माधोपुर की सीट जी, भरतपुर की सीट, चूरू की सीट, सीकर की सीट, श्री गंगानगर की सीट जी, करौली धौलपुर की सीट, कोटा की सीट, नागौर की जो सीट है हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल जी, ये सीट भी जा रही है शायद इंडिया गठबंधन के खाते में। जयपुर ग्रामीण की सीट जी, हर सर्वे में ये बताया जा रहा है कि जयपुर ग्रामीण की सीट बीजेपी उम्मीदवार जीत रहा है जी। लेकिन अब जो इंटरनल स्रोत जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि जयपुर ग्रामीण की सीट भी कांग्रेस निकाल रही है, और कहीं अंदर खाने कांग्रेस वाले भी ये कह रहे हैं कि जयपुर ग्रामीण की सीट हमारे खाते में आ रही है जी। वहीं अगर फलोदी सट्टा बाजार को आप मानोगे तो वो तो सीधा सीधा कह रहा है कि बीजेपी खाते में ये सीट जा रही है जी। लेकिन वहीं अन्य सट्टा बाजार हैं वो बीजेपी को इस सीट से हारता हुआ दिखाई दे रहे हैं जी, और कांग्रेस उम्मीदवार को जीतता हुआ बता रहे हैं जी। अगर एक एग्जाम्पल लूँ तो मैं जयपुर का जो सट्टा बाजार है वो कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पर जीतता हुआ दिखा रहा है जयपुर ग्रामीण की सीट पर जी। तो इस सीट का भी संशय लगातार बना हुआ है, ये सीट भी कड़ी टक्कर के अंदर हम शामिल कर रहे हैं जी। एक सीट अंतिम है पांसवाड़ा की जी, यहाँ पर राजकुमार रोत जी युवा प्रत्याशी हैं और ये सीट भी लग रहा है कि कांग्रेस आराम से निकालते हुए दिखेगी, यानी कि बाकी बची हुई ये 13 सीटें हैं जहाँ पर मुकाबला कड़ा है और हो सकता है कि इन 13 की 13 कांग्रेस जीत सकती है, 13-12 का आंकड़ा भी रह सकता है जी। और ये हो सकता है कि बीजेपी इनमें से भी कुछ सीटें निकाल ले जाए और ये आंकड़ा बदल भी जाए जी। वैसे अगर बीजेपी के नेताओं से हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता कैमरे पर सिर्फ ये जरूर बोल रहे हैं, कुछ नेता बोलने लगे हैं कि एक सीट हम हार रहे हैं बस जी, यानी कि 24 सीट हम जीत रहे हैं जी। वहीं कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम 13-14 सीटें जीत रहे हैं जी। अगर हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स को माने तो शायद कांग्रेस का आंकलन सही है बजाय बीजेपी के जी। बीजेपी को सट्टा बाजार भी 17-18 सीटें दे रहा है, हमारा आंकलन तो उनको 13-14 सीटें ही दे रहा है, अन्य कुछ रिपोर्ट्स थी उनमें उनको 15-16 सीटें आ रही थी,
तो मतलब आकलन अलग अलग हैं, लेकिन बीजेपी सिमटती हुई 13 से लेकर 18 के बीच में नजर आ रही है जी। वहीं बीजेपी नेताओं का आकलन है कि हम 22 से 24 सीटें निकालेंगे जी। तो सर जैसे आपने आकलन की बात की, तो आकलन जो है हमने एक पिछले वीडियो की थी जब कांग्रेस के नेताओं द्वारा कुछ आकलन की वीडियो, अगर हमारे दर्शक से मैं कहता हूँ अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो प्लीज एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें नेताओं ने जो है आकलन की बात की है और उन्होंने लगातार, जैसे गुजरात की बात हो, तमिलनाडु में हो, तो उन्होंने लगातार ऐसे ही जैसे इस बार देश के अंदर नारा चला रखा है इस बार 400 पार, तो इस प्रकार का जो नारा है वो विफल भी कहीं ना कहीं हुआ था। नेताओं द्वारा दावे तो लगातार जो है किए जाते हैं, लेकिन वो तो रिपोर्ट्स जो सामने निकल के आ रही है और हमारे पत्रकार जो है कहीं ना कहीं बड़े काबिल पत्रकार हैं, उनके द्वारा जो खबर लगातार हमें बताई जाती है और वो ग्राउंड जीरो लेवल के ऊपर जाके जो है बड़ा मेहनत का काम करते हैं जिससे हमें इन सूचनाओं का जो है पता लग पाता है, तो सर इसके ऊपर जो है आपकी क्या राय है? देखो मैंने वीडियो के बीच में बताया है ये सिर्फ आंकड़े हैं जी, इसको दिल पे ना लें जी, ये आंकड़े बदलेंगे भी अभी थोड़े बहुत, अभी रिजल्ट्स आते आते हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जी, ऐसा फलौदी सट्टा बाजार में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन आंकड़ों के इर्द गिर्द ही इस बार रिजल्ट रहने वाला है जी, जो हम हर वीडियो में बोल रहे हैं। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि 25 सीट तो बीजेपी के पास नहीं आ रही है, और जैसे आपने अभी स्टार्ट में वीडियो में कहा था कि राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, बड़े सूझबूझ से वोट करती है, यहाँ तो ये मुख्यमंत्री 5 साल के बाद नहीं रखते हैं जी। तो ये शायद इस बार शायद 10-12 साल के बाद ये मोदी जी को भी नहीं रख रहे हैं जी, और कुछ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया है जी। अब ये क्या पता मोदी जी को रख भी लें और कल को मैं गलत हो जाऊं फिर ये मेरे को ट्रोल करें, पर ऐसा ट्रोल वाला सिस्टम तो नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि दिल पे इसको ना लें जी। वैसे जितने रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार तो यही है कि इस बार रिजल्ट्स चौंकाने वाले होंगे, अब वो रिजल्ट बीजेपी को चौंकाएंगे या फिर कांग्रेस को, ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। तो सर जैसे इतनी चर्चा हमने इस प्रोग्राम में कर ली, अब जाते जाते हम आपसे ये पूछना चाहें कि जैसे कि बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है और कांग्रेस और बीजेपी आपस में जो है इन सीटों के ऊपर फंसी हुई अपने को दिखाई दे रही है, तो वो एक बार जो है दर्शकों के सामने आप दोबारा जो है पेश कर दें। देखो मैंने जैसे बताया कि बीजेपी के खाते में 11 सीटें हैं जो कंफर्म आ रही हैं, 11 सीटों पे तो बीजेपी का इधर से उधर कुछ नहीं हो रहा जी। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के अनुसार ये सीटें तो बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं जी, मतलब कि जीत के बाद बड़ा वाला जश्न होने वाला है। एक सीट इसमें है अलवर की, अलवर में भी जश्न की तैयारियां हो गई हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन संशय के बादल छाए हुए हैं जी। कांग्रेस प्रत्याशी भी जश्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जश्न किसका मनता है ये देखने वाली बात होगी। बाकी की बची हुई 12 सीटें ये हैं, 13 सीट पे मुकाबला कड़ा है जी। इनमें से 5 से 7 तो सीधा सीधा कांग्रेस के खाते में जाते हुए आराम से दिखाई दे रही हैं जी, ये तो सच है जी। बाकी की 3 से 4 जो सीटें हैं इन पे मुकाबला फंसा पड़ा है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।